आज है सिस्टर्स डे. यू आर माई बेस्ट सिस्टर. ओ थैंक यू. ये कुछ नहीं गए कि मैं इसमें इतना क्या ये बोलो मैं तो उससे पढ़ी हूँ. जिन्होंने लिखा पढ़ा बड़ा पोसा के चार. लेकिन है ही हमारी बहन लेकिन लगते है हमारा भाई. इसने मुझे बदतमीजी किया. आज सिस्टर्स डे है, एक दूसरे से सुलह करो. मैं आपको गिफ्ट देती हूँ. एक थप्पड़ के साथ और एक किस के साथ. नहीं करूँगी क्या. ये डुडू है और ये सुबह उठते साथ रोला डालना स्टार्ट कर देता है. और मेरा आज अपने घर पे पहला दिन है, पहली मॉर्निंग है. एंड यू नो कि ओ भाई चुप कर जा अल्लाह का वास्ता चुप कर जा. व्लॉग स्टार्ट किया भाई. सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ. ओके नो अब नहीं बोल रहा. कितना बदतमीज है. अच्छा सॉरी ना बोला ना सॉरी. अच्छा ठीक है जा रही हूँ मैं यहाँ से. पहला दिन स्टार्ट हो गया. अब हम अपने दिन का जो है वो प्रॉपर आगाज करते हैं. मम्मी तो अभी हम नीचे जाते हैं, सबकी सुर्तियाल देते हैं. और आज आपको मजे की बात बताऊं. आज है सिस्टर्स डे. एस्ट्रोलॉजी पे सिस्टर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा आज आपको ये पता चलेगा. फिलहाल हम चलते हैं नीचे. लेट्स गो. मम्मी पराठा आज फटा हुआ मत देना इतने दिनों बाद प्लीज. मुझे याद करके फटता था. आज देखते हैं कि जी मेरा पराठा फटता है या नहीं. नाश्ता वाश्ता बनता है, नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे इतना प्यारा सा सिस्टर रोलो जी पे सिस्टर्स डे. गाइस चार छह दोगे क्योंकि आज सिस्टर्स डे है. तो मेरी चार बहन है ना, एक दो तीन चार. मेरा पराठा अभी रेडी हुआ है गाइस. और साथ में मेरी मम्मा ने शामी बनाया है मजेदार किस्म की. मैं वो खाऊंगी फिर आऊंगी. मेरा नाश्ता रेडी है, ये मेरी शामी है, ये मेरा पराठा है जिसको राबिया बदतमीज ने. जा यार खा ले इतने दिनों बाद आई हो तो. अबे तुम तो ब्रेड खा रही हो ना अभी. और मैंने ब्रेड खाया और आपके तो पराठा देके नींद खराब है. हाँ मेरे पराठे पे सबकी नींद खराब होती है. पराठा जो होता है ना वो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता. हाँ और मैं कितने दिनों बाद खा रही हूँ तुम बस ये हिसाब लगाओ. इसे तुम खाने दिया वरना मैंने सारा चीज फाड़ कर देना. अब मैं अपनी हर बहन को जाके जो है ना वो सिस्टर्स डे विश करूंगी. सबसे पहला काम करूंगी एक चपेट लगाऊंगी, खा करके देखती हूँ रिएक्शन क्या होता है. सबसे पहला चांटे की बारी है. इतना जोर का. मैं तुम्हें सिस्टर्स डे विश करने आई हूँ. मैं सबके रिएक्शन देखने आई हूँ कि कौन मुझे कैसा रिएक्शन. हैप्पी सिस्टर्स डे. हैप्पी सिस्टर डे. यू आर माय बेस्ट सिस्टर. ओ थैंक यू. तो पहले मुझे मरना अभी. साथ में फिर जाए कैमरा पकड़ना या मेरे साथ फुटकारियां लगा रही है. किस कर रही है ना सिस्टर्स डे ना. ये मैंने ये मेरा चैलेंज है. छोड़ दे मैं गर्दन तोड़ दूंगी नाबिया. अरे मुझे किस कर रही है फातिमा प्लीज बचाओ. बचपन में तो फातिमा भी करनी है. फिर मैंने देखा हां करूंगी. क्या नहीं सॉरी दूर रहो. इसको राबिया को कह रही हूँ. राबिया मुझे किस नहीं करता. राबिया मैं तो मर के भी ना करूँ. अच्छा आज के दूर मैंने कहा आप ही करेंगे तो फिर तो मजा आएगा. तुम्हारा थूक मेरी स्किन के साथ. मैंने आज तक जब से बड़ी हुई है ना इनको ना ऐसे वाली किस नहीं किया. फीकी हो गई है. बचपन बच्चों की किस मीठी होती है. फिर थप्पड़ खाती करती जोर से मारती हूँ. तो तुम मुझे ज्यादा बड़ी हो तो तुम ज्यादा फीकी हो. किसी ने कहा छुत्तर खड़े ही जरा. किसी ने कहा कि ये बोलो कि मैं तुमसे बड़ी हूँ. किसी ने कहा ये बोलो कि मैं तुमसे बड़ी हूँ. पूरी दुनिया को पता तो मुझसे बड़ी है. नहीं मैं तुमसे छोटी हूँ. बड़ी हो तुम बस अक्ल और एक्सपीरियंस में बड़ी हूँ. मम्मा आप ही बस करो यार ये बहुत ओवर लग रहा है. छोड़ो उसको छोड़ो मेरी बहन को. लड़की हूँ मैं. Guys, this is called sisterhood. के एक बहन दूसरी बहन से लड़ी हो तो तीसरी ऐसे. छोड़ो मेरी बहन. आप भी क्या बदतमीजी है यार. नाखून तो काट लो अपने. क्या मतलब किस करो. फातिमा अब तेरी बारी है. फातिमा बहुत अजीब लगेगा देखना. अगर ये कुछ नहीं कहेगी मैं इच्छा. हैप्पी सिस्टर्स डे. हैप्पी सिस्टर्स डे. ये बहन कौन है. ये सही है पूरा साल. फेवरेट बहन बताओ फातिमा. ये मैं हूँ और ये मेरी चारों बहनें हैं. ये मेरी ठीक है. अच्छा ये बहन कौन सी. ये बहन कौन सी. मेरे नाम नहीं. आप ही हिलाल राबिया जैनब. मैं छोटी सबसे. जैनब ये गाय सबसे छोटी बहन मैं हूँ. बकवास कर रही है. ठीक है अच्छा तुम मेरे बारे में कितना जानती हो. व्हाट्स माय फेवरेट कलर जल्दी जल्दी बताओ. तुम्हारा रेड एंड ब्लैक. ओ यस शी नोज मी. व्हाट्स माय फेवरेट फ्रूट. योर फेवरेट स्ट्रॉबेरी. What's your favorite food? भिंडी. पोटैटो. सब्जी भिंडी है सही है. पोटैटो टाइप. मैं भी सही कह रही है. What's my favorite wear? Eastern or Western? तुम सलवार को ज़्यादा प्रेफर करता है. मुझे प्यारी लगती है, अच्छी लगती है सलवार कमीज़. ठीक है. Who's my favorite person? Your husband. नहीं, your parents.
फादर एंड माई नहीं, पहले तो माँ बाप ही है ना जिन्होंने लिखा पढ़ा बड़ा पोसा के चार जुमा जुमा चार पांच साल हुए कि माँ बाप के ऊपर तो प्रेफर नहीं ना कर सकते। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना। वैसे मेरी एक वो वाली बहन है जो मुझे अब मेरी अम्मी बन के मशवरा देती है, ये मेरी वो मैं हमेशा माँ बाप को हर रिश्ते से ऊपर मैं प्रेफर माँ बाप को ही करूँ। तो जाहिर है मैंने क्या कहा है, मैंने यही बोला लड़े पहले माँ बाप के बाद। तुम्हारी मेरे से सबसे ज्यादा किस बात पे लड़ाई होती है? मेरी इसकी सबसे इस बात पे लड़ाई होती है, ऊंची बोल रही हूँ आहिस्ता बोलो हम आपस में बस इस बात में तमीज से बात करो दैट्स इट। हाँ हमेशा हमेशा जेन्युइन बात कभी भी मेरी और फातिमा की हमेशा लड़ाई हुई है इसी बात पे। किस तरह कर रही हो क्या मतलब आराम से कर रही हूँ तो तुम किस तरह आवाज दैट्स इट क्योंकि मुझे होता है कि मेरे से जो भी बात करे यार गाइस लड़ने को नहीं कहा सिस्टर्स डे हम लड़ते नहीं रहे हम एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं। आपको लग रहा है कि हम लड़े तो आपके दिमाग काफी दूर है तेरे बारे में पूछ आप ही फातिमा से मेरे बारे में पूछो ना प्लीज तेरे बारे में क्यों पूछूं तो मैं भी तो सिस्टर हूँ उसकी। मुझे फातिमा के साथ एक मेमोरी याद है, हम लोगों ने जाना था कहीं पे और मैं और फातिमा कीचड़ में गिर के जानबूझ के वो मेरी बेस्ट मेमोरी थी। इस तरह की तो बहुत क्रिएट की हुई है, हमने इकट्ठे चोरी भी की हुई है, चोरी रख दी थी मुझे मारना चाहती थी तुम्हारी। ये मेरी वो बहन थी जिसने मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा आज भी साइकिल खड़ी करो साइकिल और 50-50 एंड ऑल दैट ये सारा सीन। शी इज माय पार्टनर इन क्राइम एवरी क्राइम। ये छोटी बहन थी मैं बड़ी बहन थी, मम्मा मुझे कहती थी इसका ध्यान रखो, ये कहीं पे भी जाती थी ना और एक मिनट ये ध्यान मैं रखती थी नहीं ये भाभी बताओ ना जानिया रैलियां सैलियां उठना बैठना सब पता था मुझे। ये बताओ ना क्लास में जाती थी आप गई थी मेरी बहन में? हाँ मैं क्लास में जाती थी तो कहती थी मेरी बहन क्योंकि बाद में बच्चों ने बहुत मैली बनती लेकिन बेटा मुझे नीटनेस का अवार्ड फादमा नीटनेस। तो राबिया के बारे में पूछना चाहती हूँ कि राबिया की सबसे गंदी आदत, राबिया की सबसे गंदी आदत अच्छी बात है पूछो यार कि ये कुछ ना हर टाइम बस मोबाइल में और नो क्रिएटिविटी प्रोड्यूस। अच्छा और बताओ मेरी अच्छी आदत। अच्छी आदत इसकी ये है कि ये बहुत खुले दिल की मालिक है, चीजों को देख भी नहीं लेती और उसकी अच्छी आदत। मेरी अच्छी आदत तुम्हारी अच्छी आदत ये है कि तुम बड़ी हो मैच्योरिटी से चीजों को हैंडल कर लेती हो और बड़ापन है तुम में और चीज हो रही है तुम सैक्रिफाइस कर देती हो क्योंकि बड़ा बच्चा हमेशा सैक्रिफाइस करना जानता है क्योंकि वो बड़ा होता है ना सबसे, तो ये जो बड़े होंगे वो इस चीज से रिलेट कर सकते हैं। छोटे जिद करते हैं लेकिन बड़े कहते हैं चलो यार इसको बड़ा शौक आ रहा है इंटरव्यू देने का। ठीक है जी इकरा कॉल के साथ तुम्हारी सबसे अच्छी आदत। हाँ सबसे अच्छी आदत। हाँ इसकी अच्छी आदत तो कोई है ही नहीं दादी फातिमा की सबसे अच्छी आदत है पहले बुरी नहीं चल रहा इसकी टोंट बहुत मारती है जिससे मुझे बहुत नफरत है उसकी वजह से मुझे बहुत बुरी लगती है और अच्छी आदत यह है कि ये कभी कभी बहुत अच्छी हो जाती है और इसका अच्छा रूप है मुझे बहुत पसंद है इसका बुरा रूप है वो नहीं पसंद। किसी को भी किसी का बुरा रूप नहीं पसंद है। अच्छा तुम्हें राबिया की सबसे इरिटेटिंग हरकत कौन सी लगती है? पॉजिटिव लोगों को हर चीज में पॉजिटिव पॉजिटिव लोग हर चीज पॉजिटिव है नेगेटिव लोग हर चीज बचपन में फातिमा को इमो गर्ल बनने का बड़ा शौक था बचपन में बस ठीक है शौक थे तो थे फातिमा इस तरह बाल मैं और फातिमा दोनों इसमें ट्रेनिंग करते थे। मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा ये ना अपनी एकांत छुपाती थी तो फैशन था तो मैं छुपा रही थी इमो गर्ल जो मेरे एज फेलोज होंगे वो रिलेट कर सकते हैं उस टाइम इमो गर्ल का फैशन था ना मैं उस दौर की हूँ जब इस बच्चे ने पैदा हुई थी ना मैं इसे बड़ा जलस होती थी मैं इसको ना ठुड्डे मार मार के नीचे फेंकती थी तो ये क्या नहीं मेरी मैं इससे बड़ी थी ना मैं कहती थी ये क्या आ गई है मेरे हिस्सा खाने मम्मा के साथ मैं कहती थी मम्मा इसको पीछे करे ये नहीं आ गई है और ये मारती भी थी और मम्मा कह मैंने कहा मम्मा कहाँ से आई है मेरे सबने झूठ बोला आसमान से पैदा हुई तब मेरे साथ झूठ बोला गया मेरा सारा बचपन झूठ की बेस पे गुजरा। चलो बताओ मेरा फेवरेट कलर क्या है? येलो। अपने मुझे खाने में क्या पसंद है? बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ चावल और फातिमा को चावल नहीं पसंद इसको रोटी फातिमा तो सिर्फ रोटी घर का रोटी खाती है और इसको जो खानों में बाहर के खानों में अगर ये प्रेफर करे तो इसको बर्गर्स बहुत पसंद है रात को रोज एक ही ब्रांड का बर्गर मंगाती है वो खाती है। मेरे मुझे कोई चीज पसंद आ जाए ना बस मैं उसको इतना खाती हूँ जब तक मुझे उस चीज से नफरत नहीं हो जाती बस। हाँ, मुझे मेरी रिकॉर्ड है मैं उसको इतना खाती हूँ दिन रात नफरत हो जाती है फिर छोड़ देती हूँ। मेरी अच्छी आदत बताओ जल्दी। बड़ी बहन है मेरी दफा जो हर किसी से पूछू अच्छी आदत क्या है हर कोई मुझे कहता है तुम बड़ी हो तो अच्छी हो मतलब क्या मतलब बड़ी तो अच्छी हो सपोर्टिव हो फातिमा तो बिल्कुल सपोर्टिव लेकिन इसका सपोर्टिव ना होना भी अच्छा होता है मेरे लिए हमेशा। टिकटॉक पे शुरुआत की इसने मुन्ना बन के मेरे साथ मैं इसके लिए सपोर्टिव नहीं हूँ। हाँ। मेरे लड़के का दोस्त बनी हाँ। घर में जगह दी पाला पोसा सब कह रही है सपोर्टिव नहीं है पर सबसे ज्यादा बहनों में आई लव यू किसने बोला आपने बाकी किसी ने आज तक नहीं बोला अब मुझसे जैना की बुरी आदतें प्लीज मेरी लड़ाई हुई है मैं उससे बात नहीं करी कभी जिंदगी बुला नहीं कटती हूँ मैं ये हमारा भाई है गाइस ये सिस्टर्स डे पे हैप्पी ब्रदर डे मानो चलो
भाई। अच्छी बहन है ना मेरी, पानी पिला दे प्लीज प्लीज। आज सिस्टर्स डे है। नहीं लाएगी। चलो जी अब बारी है हमारी इस बहन को हैप्पी सिस्टर्स डे विश करने को। उठती है कि नहीं? ये गाइस है हमारी सबसे छोटी बहन, लगती सबसे बड़ी है लेकिन है ही हमारी बहन, लेकिन लगता है हमारा भाई है। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ये म्यूजियम में मेरी पिक्चर लगी है, एक बहन दूसरी बहन को पानी देते हुए। ये मैं मुझसे पूछ रहा था आपकी सबसे अच्छी बहन सबसे ज्यादा प्यार आप किस बहन से करते थे? मैं ज़ैनब से करती थी लेकिन मैं उससे नाराज हूँ। आई विल नॉट टॉक टू हर। मुझे इधर खड़ी होना, क्या किया तुमने? आपकी अदालत में आपको इस दाद मुझसे बदतमीजी की और मैं बहुत गुस्सा हूँ। लड़ाई की बात नहीं है, इसने मुझसे बदतमीजी की, एक बड़ी बहन से बदतमीजी की, बड़ी बहन दर्जे में होती है। आज सिस्टर्स डे है, एक दूसरे से सुलह करो, एक दूसरे से माफी मांगो और आईना ना लड़ने की कसम खाओ। चलो मैं इसको ऐसा बच्चा ट्रीट करती हूँ लेकिन ये इसने मुझे बुराई दी। तुम उसको ऐसा बुरी ट्रीट करती हो? सही बात क्या था? तुम उसको बच्चा समझती हो तो मैं बुरी समझती? मैं तो छोटी बहन समझती थी लेकिन इसने मेरा दिल दुखाया आज। मैं बहुत सीरियस हूँ। क्या मस्त है ये वाली लड़की है ना, बचपन में अपनी गाल आगे करती थी एपी, और अब जैनब के साथ तुम्हारा प्यार है ना, इसका फेवरेट कलर क्या? सॉरी, जैनब का फेवरेट कलर मुझे पता है, पिंक। की फेवरेट बहन, जल्दी जल्दी। मैं हूँ और लड़ाई की है तूने मुझसे। आप भी अच्छी है, आप भी बड़ी है, आप भी सेक्रीफाइस करती है, आप भी केयर करती है, आप भी सपोर्टिव है, लेकिन आप किसी की फेवरेट नहीं है। दिल पे लगी है ये बात मेरे, और सिस्टर डे पे तो माफी करूंगी, बड़ी बहन मां का रूप होती है। नहीं देखो, मेरा जैनब के साथ प्यार पता है क्यों? क्योंकि वो छोटी बहन है ना, मेरे से छोटी सी है की बहन है, इसलिए उससे ज्यादा प्यार दूसरा मेरी रूममेट है। आप भी को मैं कंपेयर नहीं करती किसी से क्योंकि आप ही मम्मा के लेवल पे आती है। आप खुश रहो, आप खुश, आप बड़ी बहन है ना, आपको हम इकरा भी नहीं कह सकते, आप ही कहते हैं। ड्रेसिंग बैगी पसंद है या फिर तुम्हें केबाब? केबाब सच्चा प्यार करती है तो फिर कोई गिफ्ट दो सिस्टर को। सिस्टर तुम्हारी शक्ल पर मैं चिपेड़ है ना, तुम्हें मारूं? यही भी मैं सिस्टर डे मानूंगी ना, कोई गिफ्ट शिफ्ट दो। ये लो मैं आपके लिए गिफ्ट लाई। निकल, मैंने नहीं लेना, मैं जा रही हूँ। राबिया के पास मैं जब भी आती हूँ मैं आपको गिफ्ट देती हूँ, मैं आपको गिफ्ट देती हूँ। मैं पता लोगों को मैं ज्यादा टच ही नहीं होती लोगों के साथ, ठीक है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है। ये क्या पागल है कि जान की कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। बकवास ना करो कि तक गंदे मुंह बना रही हो। हाँ मैं तुम्हें ऑफर दे रही हूँ खुली, ठीक है, मेरी कवर साफ कर दो, बहुत गंदी हुई है। इसकी कवर साफ कर रहा हूँ। अबे बकवास ना करो, मेरे से चंडे खा लोगी। अबे ये क्या हरकत है यार। मैं तुम्हारी अलमारी नहीं साफ करी जितना तुम्हें गंद डाला। मैं निकलो यार, नहीं यार कवर साफ करो, कवर साफ कर दूंगी, कवर साफ करने आऊंगी तुम्हारी, ठीक है। अच्छा जी, अब आप सोच रहे होंगे कि सारी बहनें दिखा दी हैं वेरियस मेरा फैसल, ये भाई साहब सुबह से चीख रहा है पागल, ये भी कह रहा है कि मैं विश कर दो हैप्पी डे। ये हीरा मोहतरमा तो पहले से ही मेरे कमरे में बैठी हुई, किस खुशी में। तुम्हें पता मैं तुम्हें आज क्या विश करने आई हूँ? यू आर माई बेस्ट सिस्टर, ठीक है, मैं तुम्हें एंड मैं तुम्हें हैप्पी सिस्टर्स डे विश करने आई हूँ। हैप्पी सिस्टर्स डे मैं, और मैं हैप्पी सिस्टर डे विश कर रही हूँ एक थप्पड़ के साथ। एक थप्पड़ के साथ और एक किस के साथ? नहीं यार, ये और राबिया के साथ ना, क्या मसले? फातिमा ने भी किया, नहीं फातिमा ने भी किया, फातिमा ने भी किया इसमें यार, नाक से करके गई है, बदतमीज चूना लगा रही मेरे। इसको और अभ्या को कोई मसला है ना तो करूंगी यार अभी जाओ इधर से। यार ये क्या बात हुई, बचपन में तुम्हें पारिया करती थी मैं। नहीं रहने दो तुम इधर, प्लीज यार मुझे शर्म। गाइस मैंने ना सोचा था कि मैं इन सबका ना चांटों के साथ बोलूंगी, ठक 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 विश करूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि एक चीज जो हम बहुत कम करते हैं, यानी कि वी नेवर किस ईच अदर, है ना। निकाल इधर से बाहर। मैं तुम्हें विश करने आई, तुम मेरी चीज को मजाक कर दिया, मैंने एक्सेप्ट किया, निकलो। अगर मैंने राबिया को नहीं बख्शा तो मैं तुम्हें भी नहीं बख्शूंगी, देख मेरी चलान पहले से चिढ़ होती है। अस्तगफिर अल्लाह, मुझे हैप्पी वेडिंग प्लान है, ये मेरी शादी है आगे, मैं थप्पड़ मारूं, ड्राइंग करने लगी, मैं मारूंगी। गाइस ये देखे मैंने वेडिंग प्लानर मंगवाया हुआ, ये देखे। ओके हीरा, तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है। हु इज योर फेवरेट सिस्टर? व्हाट्स माय फेवरेट कलर? रेड। व्हाट्स माय फेवरेट फूड? पिज्जा। चल निकल झूठी, कब? बिरयानी? नहीं अभी नहीं। Yes. अब बारे में नहीं, अब मैं पूछूंगी कि फातिमा का फेवरेट कलर? उसका पिंक। मेरा फेवरेट सिंगर? कैलाश खेर। उस सिंगर का एक सिंगर का नाम है क्लेश खेर। यार तुम उस सिंगर के गाने सुनते हो जिसके मैं गाने भी नहीं सुनती। कौन सा सिंगर? मुझे कैसे? कैलाश खेर। कैलाश खेर का कोई गाना सुनाओ। कोई
कोई फर्या नहीं, ये जगजीत सिंह का है। तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती हो, मतलब मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ। क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया मतलब बिल्कुल नहीं जानती। तो मेरा रिलेट, मैं अपने आप जिंदगी को गानों से रिलेट। फेवरेट सिंगर है आतिफ असलम, पाकिस्तान में। यस इंडियन, इंडियन नहीं पता यार, इंडियन मुझे पता नहीं पता। मुझे गाइस केके पसंद है। और यार कैलाश खेर, केके मैं बोल रही थी, कैलाश खेर और केके दोनों में बहुत फर्क है। चीज है, मैंने इसलिए कैलाश खेर बोला। ओके, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन और ए नाइट आउल। मॉर्निंग पर्सन राइट नाउ तो नाइट आउल। बचपन की मेरी और अपनी कोई बेस्ट मेमोरी बताओ जल्दी, एक मिनट। याद है हम ट्यूशन जाते थे और वहां पे वो मिलते होते थे, उसको हम कहते थे तोहफा, मिलके चोरी करते, मिलके चोरी करके। उनकी ना, उनका जनरल स्टोर था, हमारी जो टीचर थी उनके हस्बैंड के पास जनरल स्टोर था, तो वो पीते होते थे, वो पता नहीं उसको क्या कहते थे, वो जो बर्फ बन जाती है तो पीते होते थे, तो उन्होंने स्टॉक ला के रखा होता, तो मैं और आप ही वो जाते थे बाहर पी के और सारे जो गन था वो नीचे फेंकते गए। जब वो डिब्बा खत्म हो गया ना, तो बाद में उन्होंने कंप्लेन की हमारी अम्मा को। और जबकि वो 2 रुपए का एक आता था उस टाइम, हम बहुत छोटे थे, हम इतने प्रो मैक्स स्टोर थे, और 2 रुपए का मतलब होना किसी के पास बहुत अमीरी की चीज थी। चोरी करनी नहीं चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की बेसिक नीड है जो। इट्स अ गुड थिंग कि आपका दिमाग तेज होता है उससे, मुझे ऐसा लगता है। मैंने हमेशा अपनी बहनों का साथ दिया चोरी में हो, चाहे चोरी मेरी माँ ने मुझे ध्यान रखने के लिए लगाया था। बहनों में से एक बहन को चोर का खिताब देना हो तो तुम किसको दोगी? फातिमा को। मैं 2 बहनों को चोर का खिताब देना चाहूंगी, और प्रो वाला चोर फातिमा और एक जैनब। जैनब तो नहीं, जैनब जैनब जब गुड़िया ले आई थी उसकी, आगे कहती उसने मुझे गिफ्ट दी है, उससे गिफ्ट नहीं की थी। नलायक का खिताब देना तो हिरा, हिरा, हिरा। मैं अभी भी नलायक गाइस, ये हमारे घर की सबसे नलायक। मुझे रट्टा नहीं आता लगाना। चल नहीं, मैं रट्टा नहीं आता, कॉन्सेप्ट समझ आता। कॉन्सेप्ट भी नहीं आता था तुम्हें? मुझे फिजिक्स के हर तरह का कॉन्सेप्ट। अच्छा, और मामा मुझे और फातिमा को अकेले घर पे छोड़ के गई थी कि इसका ध्यान रखना। मुझे उस पर किसी बात पे गुस्सा आया, छुरी पकड़ के मैं उसके ऊपर बैठ गई गले पे, मैं इसको मार दूंगी यार। छोटे होते की कहानी। लेकिन गाइस मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी बहनों पे बहुत जुल्म ढाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अपने बहुत से ऐसे किस्से याद आई होंगी, अपनी बड़ी हाइस्ट याद आई होंगी बचपन की। एंजॉय किया होगा आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को, अगर तो एंजॉय किया है तो इसको लाइक शेयर कॉमेंट सब चीजें कर दें। इस एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्टेड रहें, अपने बहन चारे को यहाँ पे भी एंजॉय करें, जो भाई देख रहे हैं, जो भाई लोग देख रहे हैं वो भी। इंशाल्लाह आप लोग से मेरी मुलाकात होगी, मेरी तरह बोलना जरा। निकल, इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।